नमस्कार। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में अगला सवाल पूछ रहे हैं राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी पूछ रहे हैं सर कि उनके ग्रोइंग रूम में फ्लाइज का अटैक है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? सो राकेश जी, सबसे पहले अगर आपके कमरे में फ्लाइज का अटैक है तो इसके लिए पूरी प्रोसेसिंग आप कह लो, जहां से हम कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं वहां से आप इसकी प्रोसेसिंग कीजिए। जो नेक्स्ट आपकी कंपोस्ट आएगी, नेक्स्ट कंपोस्ट की आप पैस्चराइजेशन प्रॉपर से कीजिए, ताकि जो इसके एग हैं वो सरवाइव ना करें, इसका प्यूपा एग सरवाइव ना करें। आप कम से कम 12 घंटे की पैस्चराइजेशन कीजिए 59 to 60 डिग्री सेल्सियस, पहला पॉइंट। दूसरा, जब आपने बैग भर के स्पॉनिंग करके ग्रोइंग रूम में डाल दिए हैं, या सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, आप सबसे पहले जो आपकी कंपोस्ट है, कंपोस्ट में आप फिरडन का यूज कर सकते हैं, जैसे जो इसके कैटरपिलर्स हैं वो, जिसे हम इल्ली बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, वो नहीं ग्रो करेगी। नेक्स्ट, जब आप स्पॉनिंग के बाद ग्रोइंग रूम में आ जाते हैं, ग्रोइंग रूम में आप अल्टरनेट डेज पे साइपरमिथ्रिन का स्प्रे कीजिए। उसके बाद अगर फिर भी ये कंट्रोल नहीं होती तो केसिंग में आप मिनिमम क्वांटिटी 0.5 ग्राम पर लीटर आप केसिंग में साइपरमिथ्रिन का इस्तेमाल करें। वैसे तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैं रिकमेंड नहीं करता यूज ऑफ केमिकल इन मशरूम इंडस्ट्री, भी मैं नहीं चाहता, बट जब कंट्रोल ही नहीं हो रहा तो उसका सोल्यूशन यही है। आप इसको, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको आप थोड़ा सा केसिंग में यूज कर लीजिए, ताकि केसिंग में ये ग्रो ना कर पाए। सेकंड, नेक्स्ट, जब आप रूम खाली करते हैं, एट दैट टाइम आप इसको कुक आउट कीजिए, हाई टेम्परेचर पे ले जाइए। अगर आपके कमरे का टेम्परेचर नेचुरली नहीं बढ़ता तो आप एक हीटर यूज कर लीजिए, ताकि इसका टेम्परेचर रूम का बढ़ जाए। और इसको कोशिश कीजिए 59 से 60 पे ले जाएं, ताकि इसकी जो कुक, इसे कुक आउट किया जा सके। लास्ट, जो आपका जितना भी, मान लीजिए अगर आपका इंसेक्ट ड्यूरिंग मशरूम है नहीं हट रहा, तो आप जो गलियारे हैं जहां पे हम चलते हैं, वहां पे आप ग्रोइंग रूम में, वहां पे आप साइपरमिथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, बट मशरूम पे नहीं कर सकते। तीसरा, जो लास्ट है, बेसिकली आप एक येलो कलर के कार्ड, उसके ऊपर ग्रीस लगा के लगा दीजिए, लाइट के पास, जहां जहां लाइट है उसके पास पास आप टांग दीजिए, ताकि जो इंसेक्ट है लाइट की तरफ, उस येलो कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होके आप जो इंसेक्ट है उसके ऊपर बैठ जाए, और वो वहीं पे चिपक जाता है और वहीं पे वो मर जाता है। आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्ट की प्रॉब्लम सीजनल है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बट कोशिश कीजिए, ये आपकी क्योंकि इससे लॉस होता है। बी ग्रेड मशरूम बहुत होती है, जब उसके स्पॉट बन जाते हैं मशरूम पे, कई फार्मों पे ये दिक्कत आती है। रीजन बीइंग, बाहर ठंड है, अंदर कमरे में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, तो ये जो इसका रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन फेस है, वो यहाँ पे आ जाता है। सो आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।